डाकू छबिराम सिंह यादव की कहानी। डाकू जिसने इंदिरा की नींद हराम करती थी, डकैत जो बीपी सिंह के सपनों में आता था, दस्य सम्राट जो लोगों का मसीहा बन गया, सरगना जो 9000 राउंड की फायरिंग के बाद मरा। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उस डकैत की है जिसने इंदिरा गांधी की नींद हराम करती थी। आज की कहानी उस डाकू की है जिसने मुख्यमंत्री बीपी सिंह की कुर्सी को हिला दिया था। आज की कहानी उस नेता की है जिसने मुलायम सिंह यादव को उनके गढ़ में चुनौती दी थी। आज की कहानी उस दस्य सम्राट की है जिसने दर्जनों पुलिस वालों को गोली मार दी थी। आज की कहानी उस डाकू की है जिसे बड़ी संख्या में लोग देवता मानते हैं। आज की कहानी डाकू छबिराम सिंह यादव की है। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। डाकू छबिराम का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो पूरी देखने के बाद शेयर जरूर करें। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में चंबल में बीहड़ में डाकुओं की समानांतर सरकार चला करती थी। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी जो बीहड़ में घुस जाए। 1980 के दशक में डकैतों डाकुओं का भीषण आतंक था। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में एक और नाम चर्चाओं में आया, छबिराम सिंह यादव, जिसकी तूती आधे उत्तर प्रदेश में बोलती थी और मुलायम सिंह के गढ़ में जिसका एक छत्र राज चलता था, जिसे उस क्षेत्र के लोग नेताजी कहकर बुलाते और मट्ठा पिलाया करते थे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पैदा हुआ छबिराम सिंह यादव जब 20 वर्ष का था, तभी उसने चोरी करना, डकैती डालना, डाके डालना शुरू कर दिया। देखते देखते छबिराम का नाम कई डकैतियों में आने लगा। पुलिस ने छबिराम को डाकू घोषित कर दिया और उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। डाकू छबिराम सिंह जेल से जमानत पर बाहर आया तो फिर कभी दोबारा जेल नहीं गया, बल्कि अपना गिरोह बना लिया और बन गया दस्य सम्राट छबिराम सिंह यादव। इसके बाद शुरू होती है छबिराम के अपराध की वो श्रृंखला जिसका कोई अंत नहीं है। छबिराम ने कई जगह डकैतियां डाली, कई लोगों की हत्या की। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के पूरे क्षेत्र में छबिराम का आतंक था। उत्तर प्रदेश के बाद छबिराम मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपराध को अंजाम देने लगा। नतीजा ये हुआ कि तीनों राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लेकिन दिमाग का शातिर छबिराम हर बार बच जाता। हद तो तब हो गई जब 1978 के आसपास उसने एक विधायक की हत्या कर दी और उसे जमीन में गाड़ दिया। एक तरफ छबिराम अपने अपराध का पाताल लोक रच रहा था तो दूसरी तरफ लखनऊ में सत्ता का खेल खेला जा रहा था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर को सीएम बनाना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री लगातार बनाए थे, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा और कमलापति त्रिपाठी। ऐसे में संजय गांधी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने जून 1980 में बीपी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बीपी सिंह के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ। 1981 में फूलन देवी ने 22 ठाकरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इस घटना की आवाज दिल्ली तक पहुंची, बीपी सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। आवाजें उठने लगी कि बीपी सिंह से यूपी संभल नहीं रहा। मुलायम सिंह यादव ने इन आवाजों को और ज्यादा तेज कर दिया, क्योंकि वो सत्ता संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में बीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश से डकैतों का सफाया करने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। अकेली फूलन देवी बीपी सिंह के लिए परेशानी नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ छबिराम का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। बीपी सिंह की सरकार ने छबिराम पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। छबिराम ज्यादातर वक्त एटा में छिपा रहता था। इसके बाद आता है 7 अगस्त 1981, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतिहास का वो काला दिन जो हर पुलिसकर्मी याद रखता है। अलीगंज में पुलिस ऑफिसर राजपाल सिंह थाना इंचार्ज थे। उन्हें सूचना मिली कि छबिराम एटा में छिपा है। मुखबिर ने कहा, खबर एकदम सही है, राजपाल सिंह मानो इसी का इंतजार कर रहे हों। उन्हें कहां पता था कि वो दिन उनके लिए काल बन जाएगा। वो अपने साथियों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर निकल पड़े। नाथाराम गांव में जब राजपाल सिंह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वो समझ गए कि वो ट्रैप में फंस गए हैं। खबर सही थी, नाथाराम गांव में छबिराम था, लेकिन खबर अधूरी थी। छबिराम के साथ 70 और डकैत भी मौजूद थे। पुलिस की गोलियां खत्म हो गईं। पुलिस वाले अब एक तरह से निहत्ते थे, डाकुओं से बहुत कम थे। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि आज का दिन उनका अंतिम दिन है। छबिराम और उनके गिरोह ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया और क्रूरता के साथ राजपाल सिंह समेत 9 पुलिस वालों को मार दिया।
तीन गांव के लोग भी इस दौरान मारे गए। 9 पुलिस वालों की सामूहिक क्रूर हत्या की बात लखनऊ तक नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंची थी। इंदिरा गांधी फिर भी चुप रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव चुप नहीं रहे। बीपी सिंह की सरकार के विरोध में मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा खोल दिया। बीपी सिंह सख्ते में आ गए। बीपी सिंह ने पुलिस वालों को सख्त निर्देश दिए कि छविराम सिंह को खत्म करो, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। और देखते देखते 1983 आ गया और फिर जो हुआ उसने छविराम के अंत की कहानी लिख दी। अलीगंज के सर्कल ऑफिसर को छविराम ने किडनैप कर लिया। ये सरकार को सीधी चुनौती थी, सत्ता को सीधा चैलेंज था, व्यवस्था को सीधा चैलेंज था। एक डकैत ने सरकार की चूल्हे हिला दी। ये सुनने के बाद इंदिरा गांधी गुस्से से उबल पड़ी। तब लखनऊ एक फोन आता है। बीपी सिंह सुन रहे थे, इंदिरा गांधी बोल रही थी छविराम सिंह यादव का एनकाउंटर कर दो। बीपी सिंह ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिस डाकू को क्षेत्र का हर आदमी बचाना चाहता हो, जिस डाकू को पूरा क्षेत्र अपना मानता हो, जिस डाकू की कोई आलोचना ना करे, जिस डाकू की छवि रॉबिन हुड की हो, जिस डाकू को लोग देवता माने, उसे सरकार खत्म करे भी तो कैसे करे। कोई सुराग नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं बोलता। तब SP कर्मवीर सिंह ने शतरंज की वो चालें खेली जिसे SSP विक्रम सिंह कहते थे। यूपी पुलिस का सबसे बेहतरीन अधिकारी एटा में SSP तैनात किया गया। और फिर आता है 2 मार्च 1982। पुलिस को पता चला कि छविराम को गिरोह के आसपास देखा गया है। पुलिस इसी मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एटा इटावा मैनपुरी का पूरा इलाका समतल है। यही वो जगह थी जहां पुलिस छविराम को निपटा सकती थी। पुलिस तैयारियों में जुट गई। 2 मार्च की पूरी रात मुखबरी हुई। छविराम अपने गैंग के साथ ठिकाने बदलता रहा, मुखबिर पुलिस तक सूचना पहुंचाता रहा। 3 मार्च की सुबह छविराम के गैंग को मैनपुरी से 27 किलोमीटर दूर हरेना गांव में देखा गया। यह पूरा इलाका सेंगर नदी के तलहटी का था। पुलिस ने यहीं छविराम को घेर लिया। सुबह से लेकर देर शाम तक फायरिंग हुई। 9000 राउंड दोनों तरफ से चले। देर शाम छविराम की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गईं। पुलिस ने जाकर देखा तो छविराम नदी के किनारे मरा पड़ा था और मरे पड़े थे उसके गैंग के सदस्य। छविराम और दूसरे डाकुओं की लाशें एक बैलगाड़ी पर ला दी गईं और मैनपुरी लाई गईं। बीपी सिंह को छविराम के एनकाउंटर का पता चला तो वो तुरंत लखनऊ से मैनपुरी पहुंचे और पुलिस की पीठ थपथपाई। तो ये थी डाकू छविराम सिंह यादव की कहानी। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा कि बहुत से लोग छविराम को डाकू कहने से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि छविराम के लिए उनके मन में अपार सम्मान है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके अनुसार छविराम सिंह गरीबों का मसीहा था, गरीबों की मदद करने वाला था। ये लोग छविराम को नेताजी कहते हैं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन कानून की किताबों में छविराम को डाकू ही लिखा गया है, इसलिए कानून सम्मत जो है मैंने वही शब्द इस्तेमाल किए हैं। छविराम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।